गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, मैं प्रथमेश आपका स्वागत करता हूँ पतु ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं फूड ब्लॉग करने के लिए। फूड ब्लॉग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ जाने वाले, कैसे जाने वाले। उससे पहले हम घर से निकलेंगे बिकॉज अभी बहुत लेट हो चुका है मुझे घर पे ही। तो दोस्तों आज मेरे साथ है ब्लॉग में साईदीप शिंदे, जो ये मेरा यंगस्टर फ्रेंड बोल सकते हैं, बचपन का लंगट यार। तो अभी के बजे है अराउंड 1:30 और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ पे? ये कुरला इश नेहरू नगर। ये जो एड्रेस है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ शॉप के बाहर, द नेटरिक्स जॉइंट। अगर आप कुरला स्टेशन से आ रहे हो तो आपको ईस्ट में आना पड़ता है और वहाँ से 5 मिनट्स to 7 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पर है। आपको कहीं नहीं राइट नहीं लेना है, लेफ्ट नहीं लेना है, सीधे आना है। ओके तो अभी अब मैं जा रहा हूँ शॉप के अंदर। दोस्तों अभी हम लोग शॉप के अंदर आ चुके हैं और मैंने मेनू कार्ड के थ्रू मैं गया और मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत शोरमा बहुत ही औसम मिलता है, मतलब यहाँ का मतलब नेटरिक्स का जो शोरमा है ना बहुत फेमस है। तो मैंने अपने लिए एक मंगाया है चिकन शोरमा। और शायदी तूने क्या मंगाया अपने लिए? चिकन एग मेयोनीज रोल। तो ठीक है, और रोल भी? हाँ भाई मैंने सुना भी है रोल भी बहुत फेमस है यहाँ पे और शोरमा। तो गाइस आप कभी आओगे ना तो शोरमा और रोल ट्राई करना कभी ना भूले। ओके तो अभी ऑर्डर दे चुके हैं तो डिश के लिए वेट कर रहे हैं आने के लिए। गाइस ये जो बना रहा था ना शोरमा मेरे बाजू में, तो मैं शूट कर रहा था, तो जो भट्टी से जो गर्मी निकल रही है ना वो मुझे इतनी हीट लग रही थी कि ना भाई ऐसी हीट ना ठंडियों के मौसम में अगर रात में मिल जाए ना शेकोटी की तरह तो एक अलग मज़ा आ जाता है। के पहले हाथ को थोड़ा सा क्लीन तो कर ले, सैनिटाइजर था। तो दोस्तों फिर मेरे सामने अभी मेरी डिश आ चुकी है, चिकन शोरमा और चिकन एग रोल। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये चिकन शोरमा। टेस्ट बहुत अच्छा है, कुछ भी बोलो। अंदर जो चिकन डाला है ना बारबेक्यू का, बहुत ही ऑसम लग रहा है। और जो चटनी है अंदर रेड कलर की, आई थिंक शेजवानी होती चटनी अंदर, शेजवान चटनी, उसके वजह से एक शोरमा की टेस्ट ही अलग है। इसलिए तो बोलते हैं नेटरिक्स का शोरमा बहुत फेमस है। सेकेंड डिश ट्राई करने जा रहा हूँ भाई, इसका नाम बोलता हूँ चिकन एग मेयोनीज रोल। ये भी मस्त बनाया है उसने, अपनी सही लड़का है, मस्त बनाता है। लेकिन मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं फेमस शर्मा और एक मेयोनीज रोल, एक मेयोनीज रोल। गाइस अभी हमारे साथ है दो कस्टमर्स जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे चिकन रोल ट्राई किया। तो मैं इन्होंने पूछना चाहता हूँ कि आपको ये सर्विस कैसी लगी, हाइजीन कैसा लगा और आपने जो चिकन रोल ट्राई किया उसका टेस्ट के बारे में।
हाइजीन तो बहुत, ये बहुत अच्छा है और फ्रेश बनाते हैं, और चिकन रोल का टेस्ट तो एकदम अच्छा था, स्पाइसी था। तो गाइस अभी मेरे साथ है प्रतीक जो कि ओनर है इस शॉप का, और एक ओनर है सेकंड जो है गर्ल नेहा करके, ये दोनों पार्टनरशिप में ये शॉप चलाते हैं। तो मैं ये बंदे बहुत बिजी थे आज दोनों, तो ये प्रतीक जो है मेरे लिए टाइम निकाल के अभी आ चुका है शॉप में। तो मैं प्रतीक से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपके शॉप से क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब आपका शॉप फ्यूचर में कहाँ तक लेके जाना और कैसे लेके जाना? अभी फिलहाल तो रेट्रिक जॉइंट बहुत अच्छी तरह से रन हो रहा है, नेहरूनगर के लोग बहुत अच्छा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं भी नया मेन्यू लॉन्च करने वाला हूँ, तो मेन्यू में ही अच्छे से रिस्पॉन्स आएगा, तो आगे फ्यूचर में इसमें नया आउटलेट्स और फ्रेंचाइजी मॉड्यूल स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, यही है मेरा फ्यूचर। ओके, तो जो नया है वो अपने ऑफिशियल काम में बिजी होने के कारण यहाँ पे आ नहीं पाई, जैसा प्रतीक ने कहा कि एक नया मेन्यू लॉन्च करने वाले, वो नया मेन्यू आपका आप कभी और कैसे लॉन्च करने वाले क्या मुझे बता सकते हो? आफ्टर क्रिसमस नया मेन्यू लॉन्च हो जाएगा, आफ्टर क्रिसमस 25 दिसंबर के बाद। ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और कुछ अलग मेन्यू होगा कस्टमर्स। ओके, जो मेन्यू होने वाला न्यू लॉन्च वो होगा 25 दिसंबर के बाद में और आफ्टर क्रिसमस जैसे बोल सकते हैं। उसमें जैसे उसने कहा कि कोई नए मेन्यूज हो गए ट्रेंडिंग, तो ये शॉप में आने का कारण था कि मैंने ये शॉप के बारे में बहुत सुना था कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं शोरमा मिलता है और जो रोल मिलता है वन ऑफ द बेस्ट है, इसलिए मैंने आज यहाँ के ट्राई किया, मुझे बहुत पसंद आया। मेरे और मेरे टीम और मेरे चैनल की तरफ से आपको अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ओके, यहीं पे दोस्तों एंड करते हैं। हाँ, ये तो भूल गए, आपका इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, इसका मैंने जो इनके इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका है दोस्तों, जाके क्लिक करके फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और ये शॉप को जरूर विजिट कीजिए। अगर मेरे तरफ से कोई कस्टमर्स आते हैं मेरे सब्सक्राइबर तो कुछ कंसेशन मिलेगा कि नहीं? 10% डिस्काउंट आपकी तरफ से मिलेगा। 10% डिस्काउंट, लेकिन आप पहचानोगे कैसे? आप वीडियो सब्सक्रिप्शन दिखाना, वीडियो सब्सक्रिप्शन दिखाने। ओके, तो दोस्तों जरूर आइए, सब्सक्रिप्शन दिखाना और मेरे को फॉलो, मैं इंस्टाग्राम को फॉलो किया हुआ लिखा है। ओके, तो दोस्तों जरूर आइए, ये शॉप में विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरे एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। बस यही कर कहता हूँ।